हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम्स फॉर फ्लेवर। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ इंडक्शन कुकर के फीचर्स और कौन कौन से बर्तन हम यूज कर सकते हैं इंडक्शन पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरा इंडक्शन कुकर जो है ये उषा का है। और भी ब्रांड आते हैं, जैसे प्रेस्टीज वगैरह का आता है, बहुत सारे फिलिप्स का आता है। तो आपको ऑनलाइन इजीली आपको मिल जाएगा, जो भी आप जब भी आप इंडक्शन कुकर लें। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप सस्ते के चक्कर में ना पड़े, एक बार उसकी रेटिंग वगैरह देख लें, उसके बाद लें। तो आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इंडक्शन के फ्रंट पे ये एक सर्कल पार्ट बना हुआ है, जो ये इसे हीटिंग पैनल कहते हैं। जो भी हम बर्तन रखते हैं तो इसके सेंटर में रखना होता है, तो ये हीटिंग पैनल है। इसके अलावा ये हमारा एक कंट्रोल पैनल है, पावर बटन है ऑन ऑफ का। इसके अलावा टाइमर है, अगर हमें टाइमर सेट करना है तो मैन्युअली सेट करते हैं, मैनुअल को प्रेस करेंगे, इसके बाद टाइमर प्रेस करेंगे, हमें टाइमर कितना लगाना है, प्रेस करना है, बढ़ाना है कि कम करना है, उस अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे इसको। और टाइमर जो ही कंप्लीट होगा, जो भी हम टाइम सेट करेंगे, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये पॉज है, अगर आप कोई काम कर रहे हो और ज़्यादा गर्म हो गया हो कुछ भी बर्तन, आप उस चाहते हो कि इसे रोकना, तो आप इसे पॉज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑलरेडी प्री सेट्स दे रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं लिखा है मिल्क टी, डीप फ्राई, इडली, करी, डोसा, रोटी। और आप प्लस माइनस बटन को यूज़ करके टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको ये फ्रंट का पोर्शन है, अब मैं आपको इसका बैक पोर्शन दिखा देती हूँ। तो ये इंडक्शन का बैक पोर्शन है, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा कि इसके नीचे कूलिंग फैन लगा हुआ है। ये कूलिंग फैन है जो बाहर की हवा अंदर भेजता है। तो ध्यान रखना है कि इंडक्शन कुकर किसी फ्लैट सरफेस पे ही रखें और आसपास इसके पानी या कोई एयर फ्लो को ब्लॉक करने वाला चीज ना रखें, नहीं तो आपका इंडक्शन कुकर जल्दी खराब हो सकता है। फैन के ऊपर गंदगी ना जमे, इसलिए इसे रेगुलर इंटरवल पे इसे साफ करते रहना है। तो आप इसे किसी ब्रश वगैरह से साफ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो घर पे। फैन जो हवा अंदर लेता है वो इस साइड वेंट से बाहर आती है, आप देख सकते हैं इन्हें। तो अब इसको सीधा कर लेते हैं। बेसिकली एग्जॉस्ट का काम करता है फैन। अब आइए देखते हैं कि इंडक्शन पे कौन कौन से बर्तन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे एक इंडक्शन बेस्ड पैन लिया है। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, अलग अलग ब्रांड के होते हैं। तो ये आप उन्हें बोलेंगे इंडक्शन बेस्ड देना है, तो इंडक्शन बेस्ड आपको मिल जाएगा इजीली मार्केट में। तो ये मुझे पता है कि इंडक्शन बेस्ड है, तो ये तो गर्म करेगा ही। तो इसको मैं रख देती हूँ और आपको साथ में इसके फीचर्स भी बता देती हूँ इंडक्शन के। तो पहले सबसे पहले पावर बटन को ऑन कर लेते हैं, पैन को गर्म करने देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टाइमर शो कर रहा है 120। तो अगर आपको टाइमर सेट करना है तो आप मैनुअल बटन प्रेस करेंगे, मैनुअल बटन की लाइट जल गई। इसके बाद टाइमर का बटन प्रेस करेंगे, अगर हमें बढ़ाना है तो हम अगर हमें बढ़ाना है तो हम इसे प्लस करेंगे, और अगर हमें घटाना है टाइमर तो हम 31 ये माइनस का बटन प्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ पानी डाल के आपको दिखा देती हूँ कि हमारा पैन जो है गर्म हो चुका है। ठीक है, तो ये जो एक मैंने 31 मिनट सेट किया है, 31 मिनट बाद ऑटोमेटिक हमारा इंडक्शन कुकर बंद हो जाएगा। तो अब इसको हटा देते हैं और पावर बटन ऑफ कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी थाली लिया है, स्टील की है, इसका बेस जो है बिल्कुल स्मूथ है, आप ये देखिए। इसे भी हम इंडक्शन पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसको इसके सेंटर पे प्लेस कर देंगे और पावर बटन ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि वर्क कर रहा है, कैसे चेक करेंगे, इस पे थोड़ा सा पानी डालते हैं, ये देखिए। पावर बटन ऑफ कर देते हैं और थाली को हटा लेते हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी लिया है स्टील का, इसका भी बेस फ्लैट है। जरूरी नहीं है कि स्टील का बर्तन जो है उसका बेस फ्लैट ही हो, अगर इसका बेस जो है स्टील के बर्तन का निकला भी होता है तो भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं इंडक्शन पे। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले सेंटर पे रख देते हैं कटोरी को, पावर बटन ऑन कर लेते हैं
और मैं यहाँ पे अब कुछ बूंदे पानी के डाल रही हूँ, तब देख सकते हैं कि बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब कटोरी वर्क कर रहा है। तब इसे हटा देते हैं। तो हमारी किचन में अक्सर ऐसे बर्तन होते हैं, मेरे पास एक छोटी कढ़ाई है, अक्सर ऐसे बर्तन होते हैं जिसका बेस जो होता है वो कॉपर बेस होता है, बट इसका जो बेस है ये स्टील है, तो हम इसे भी इंडक्शन पे यूज़ कर सकते हैं इजीली। मैं आपको दिखा देती हूँ, पावर बटन ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें कुछ ड्रॉप पानी के डालते हैं, ये देखिए तो ये भी वर्क कर रहा है। तो अभी मैंने बताया आपको कि मेरे पास यहाँ पे एक पतीला है, मैंने अभी आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि स्टील बर्तन जो हो उसका बेस फ्लैट ही हो, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा उबड़ा हुआ है बाहर की साइड, तो इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं इंडक्शन पे। तो इसे सेंटर में रख लेते हैं और पावर बटन ऑन कर लेते हैं और कुछ बूंदे पानी के डालते हैं, ये देखिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक परात है जिसपे हम आटा वगैरह गूंथने के लिए हमारे घर में हमेशा रहता है, तो इसका भी बेस आप देख सकते हैं फ्लैट है, बिल्कुल स्टील है, इसे भी हम इंडक्शन पे यूज कर सकते हैं। इसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, सेंटर में प्लेस कर दीजिए, पावर बटन ऑन और पानी के कुछ बूंदे डाल लेते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं कुछ बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, लोहे का है, बहुत पुराना है, इसको सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यूज़ किया है, तो ये मैं वैसे यूज़ करती नहीं हूँ, तो इसको भी ये लोहे का बर्तन जो है ये भी इंडक्शन पे काम करता है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑन बटन करते हैं। अब देख सकते हैं इसमें पानी पड़ा था, ये भी ड्राई हो जाएगा, ये देखिए इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कहने का मतलब ये है कि इंडक्शन पे आप इंडक्शन बेस्ड बर्तन तो आप यूज कर सकते हैं, उसके साथ ही आप स्टील का कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं, स्टील के अलावा आप आयरन भी यूज कर सकते हैं। अब कौन से बर्तन आप यूज नहीं कर सकते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, आपको देख के लग रहा होगा ये इंडक्शन बेस्ड है, बट ये इंडक्शन बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ नॉन स्टिक है। आप इसके बेस को देख लीजिए, ये वर्क क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो बेस है ये एल्युमिनियम बेस है, इसलिए ये वर्क नहीं करेगा। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, ऑन कर लेते हैं पावर बटन को, तो आपको सुनाई दे रहा होगा कि एक आवाज़ कर रहा है बीप का, इसका मतलब ये वर्क नहीं कर रहा, ये पैन इंडक्शन पे वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको हटा देते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन लिया है जिसका बेस जो है ये फ्लैट तो है बट ये एल्युमिनियम है, इसलिए ये वर्क नहीं करेगा, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, पावर बटन ऑन कर लेते हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा बीप की आवाज़, इसका मतलब ये वर्क नहीं कर रहा है। तब इसको भी हटा लेते हैं, पावर बटन ऑफ कर लेते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक एल्युमिनियम का कुकर है जिसका बेस फ्लैट है बट एल्युमिनियम है, इसलिए इसको यूज़ नहीं कर सकते इंडक्शन पे, गर्म नहीं करेगा, वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मैंने आपको दो बर्तन दिखा चुकी हूँ, ये भी दिखा देती हूँ ये वर्क करता है या नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये बीप की आवाज़ आ रही है। तो इससे क्लियर होगा कि जो भी एल्युमिनियम के बर्तन हैं ये काम नहीं करते इंडक्शन पे। तो जब भी हम इंडक्शन यूज करते हैं, जब भी हम पावर बटन बंद करते हैं, उसके बाद एक आवाज आती है इधर से फैन की, इधर से एक आवाज आती है फैन की, उस दौरान आप इंडक्शन को साफ करने की कोशिश ना करें, पोंछने की कि तेल लगा हुआ है या कुछ गिरा है तो उसको अभी पोंछ देते हैं, या फिर इसके मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं, वो भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ से ऑफ करना है, इसको हिलाना भी नहीं है उस दौरान, इधर से उधर नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, जब ये अपने से इसका फैन बंद हो जाएगा तब आप इसे पोंछ के आप कहीं भी रख सकते हैं इसे सेफली।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।